नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना, इसके अलावा हम उपराष्ट्रपति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। पिछली ही कक्षा में हमने संसदात्मक संसदीय जो शासन प्रणाली है उसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की थी कि संसदात्मक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, मंत्रिपरिषद, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक और कार्यपालिका कौन सी होती है, वास्तविक कार्यपालिका कौन सी होती है अध्यक्षात्मक में, राष्ट्रपति, जबकि यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। हम आज चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर के जो पेपर सेकंड है उसमें पॉलिटिकल साइंस में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो संघ की केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में भी बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो हमारी सेंटर की केंद्र की मंत्रिपरिषद हैं उसी के संदर्भ में। देखिए जो मंत्रिपरिषद हैं, उसके संदर्भ में हमें यह जानना पड़ेगा पहले कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। देखिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मैंने पहले भी आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब बताया था कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार संविधान में किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 352 में, जो भी 44वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है। हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। देखिए मंत्रिमंडल जिसे हम कैबिनेट कहते हैं इंग्लिश में, कैबिनेट, वही मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। मंत्रिपरिषद का ही एक क्या होता है, भाग होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या भारत में 12 से लेकर 20 तक होती है, जो अपने अपने अधिकारों अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं स्वतंत्र रूप से। और जब भी मंत्रिमंडल की क्या होती है, बैठक होती है, तो उसमें अन्य मंत्री भाग नहीं ले सकते, जबकि मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल, दूसरे राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री भी अपने विभाग के स्वतंत्र होते हैं अधिकारी, लेकिन जो उपराज्य मंत्री होते हैं वो एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें सहायक के रूप में कुछ कार्य दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्री परिषद हमारे देश का संचालन करती है, हमारे देश के लिए सबसे महत्व रखती है। मंत्री परिषद की जो अध्यक्ष होता है, जो नेतृत्व करता है, वो प्रधानमंत्री होता है। हम बात करें यहाँ पे अंतर के संदर्भ में, तो अंतर के संदर्भ में हम बात करें तो मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट प्रकार के ही आते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें संख्या के संदर्भ में, तो मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की संख्या अधिकतम भारत में हो सकती है 15%। 15% लोकसभा का यानी कि कितनी सीटें हो सकती है, 82 सीटें। तो यहाँ पर अधिकतम 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री की बात करें हम मंत्रिमंडल की, तो अधिकतम लगभग 20 के लमसम होते हैं।
तो हम बात करें यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर की, तो अन्य अंतर यह रहेगा कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें अन्य मंत्री भाग नहीं लेते। अगर भाग लेने के लिए उन्हें विशेष आमंत्रित करने पर ही भाग ले सकते हैं, ऐसी इनकी बैठकों में भाग नहीं लेते। हम बात करेंगे अब मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पे किया गया, वह मंत्रिपरिषद का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इन्हीं सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार हम बात करें मंत्रिपरिषद के बारे में, अनुच्छेद 74 के अनुसार हम बात करें मंत्रिपरिषद के बारे में, तो राष्ट्रपति को अपने कार्य शासन संचालन के लिए एक सलाहकार समिति होगी, जो कौन होगी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद एक सलाह के रूप में कार्य करेगी राष्ट्रपति, जिसका नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री। यानी आर्टिकल 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से। यानी कि मंत्रिपरिषद एक सलाह के रूप में, एक सहायक के रूप में शासन संचालन करने में राष्ट्रपति के लिए सहायक होगी। हम बात करें 75(3) के बारे में, अनुच्छेद 75(3) के तहत, आर्टिकल 75 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से हम गठन की बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन हमें मिलता है कि राष्ट्रपति किसका, किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। देखिए यहाँ पर होता है राष्ट्रपति किन को बनाएगा मंत्री, प्रधानमंत्री किन को बनाएगा। इस संदर्भ में हम बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पर उसी को बनाया जाएगा जिसका लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा। देखिए अगर यहाँ पर त्रिकोण की संघर्ष की स्थिति हो संसद में, त्रिकोण बहुमत हो, बहुमत किसी भी पार्टी को कंप्लीट नहीं प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ जाते हैं, वह अपनी स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी बड़े राजनीतिक दल को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। क्योंकि अगर जब किसी भी पार्टी को बहुमत पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है, बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है, जब बड़ी पार्टी ना कर देती है तो उससे दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, इस प्रकार से सरकार के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, जब तीनों को बहुमत नहीं मिलता, जब बहुमत नहीं मिलता तो दो पार्टियां मिल करके सत्ता का निर्माण करती है और उसी की क्या होती है, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री सत्ता में साझेदारी हो जाती है। इसी प्रकार से हमने बात किया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75(3) के तहत की गई। हम बात करते हैं सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है। देखिए मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से ही किया जाता है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री नहीं बना सकता। राष्ट्रपति ऐसे नहीं कि किसी विरोधी पार्टी के सदस्यों को मंत्री बना दे, क्योंकि ऐसा करेगा तो वो क्या होगा, वो संविधान का अतिक्रमण होगा और उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिकल 75(3) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर ही
क्या होता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी प्रथम क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए, जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल के संदर्भ में हम बात करें मंत्रिपरिषद के, मंत्रिपरिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। मंत्रिपरिषद का किसी भी प्रकार से कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः तो वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद क्या होती है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करती है। जब तक राष्ट्रपति को ये लगता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी। जिस दिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि लोकसभा में इनको बहुमत इनकी पार्टी को नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद को निलंबित कर सकती है, भंग कर सकती है। तो इस प्रकार से हम बात करें मंत्रिपरिषद के बारे में और भी, तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम बात करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, जो संसद होती है, जिसमें एक सदन होता है, निम्न सदन, वो लोकसभा, उस सदन के बारे में हम बात करें लोकसभा, तो उसी के द्वारा जो सरकार होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। हम बात करें व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होते हैं मंत्री, वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्य होता है कि उसे अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की शपथ दिलाई जाए। मंत्री को पद की व गोपनीयता की, दोनों की शपथ दिलाई जाती है कि मंत्री किसी भी प्रकार से अपने जो निर्णय होंगे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के, उनकी गोपनीयता को बनाए रखेगा। अगर गोपनीयता को बनाए नहीं रखता तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह किसका मानना है? राष्ट्रपति का मानना है। हम बात करें कोई सदस्य संसद का सदस्य है या नहीं, तो भी क्या वो मंत्री बन सकता है या नहीं, इसके संदर्भ में। देखिए, मंत्री किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, चाहे वो भारत का कोई भी निवासी हो, उसे मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा व राज्यसभा में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, तभी वह अपने पद पर बना रहेगा। अगर वह 6 माह से अधिक समय तक किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता, तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वह दोबारा कभी मंत्री नहीं बन सकता। यह भी एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसी कारण से उसे मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, मंत्रियों को समय पर जो भी गाइडलाइन होगी वह प्रधानमंत्री करेगा, वह नेतृत्व प्रदान करेगा। हम बात करें मंत्री परिषद के वेतन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में, तो मंत्री परिषद के जो वेतन होगा वो समय पर कौन निर्धारित करेगा? संसद के द्वारा नियम बनाकर, अधिनियम बनाकर के निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि जो भी वेतन भत्ता उनको दिया जाएगा, उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। यह संविधान के द्वारा
कहा गया, अधिनियम के द्वारा कहा गया। हम बात करें आगे मंत्री परिषद के संदर्भ में, तो मंत्रियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। देखिए इनके सहायक के रूप में और भी अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे कि संसदीय सचिव कार्य करते हैं, वो भी प्रशासनिक दृष्टि से इनका कार्यभार संभालते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें तो मंत्रियों के संदर्भ में, यानी कि मंत्री परिषद के संदर्भ में, देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के एक स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं, वह अपनी इच्छा से अपने विभागों में कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से विकास करने का कार्य करते हैं। राज्य मंत्रियों को भी कुछ छोटे विभाग दे दिए जाते हैं और उन छोटे विभागों में वो स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। देखिए जो बैठक होती है कैबिनेट मंत्री की, उस बैठक में अन्य मंत्री भाग नहीं लेते और इन जो कैबिनेट मंत्री की जो मीटिंग होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्षता करके क्या किया जाता है, अंतिम निर्णय लिया जाता है। जो कोई भी निर्णय होता है कैबिनेट में वो सामूहिक रूप से लिया जाता है, इसीलिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक मंत्री के इस्तीफा देने पर या एक मंत्री के द्वारा सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर कंप्लीट क्या होती है, सारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो उप मंत्री होते हैं, उपराज्य मंत्री, वो एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, वो विभाग के कुछ शाखाएँ होती है उनमें कैबिनेट मंत्री उन्हें कुछ कार्यभार सौंप देते हैं और वो उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य मंत्री के जो छोटे विभाग होते हैं उनमें भी उपराज्य मंत्री सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि इनके जो प्रशासनिक कार्य होते हैं व अन्य कार्य होते हैं इन्हीं में सहायक के रूप में संसदीय सचिव होते हैं, यानी कि मंत्रियों के भी कुछ सचिव होते हैं जो IAS अधिकारी वगैरह होते हैं, वो सचिव के रूप में प्रशासन में जिम्मेदारी में कार्य करने में इनके लिए सहायक होते हैं और इन्हें कार्य करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें मंत्री परिषद के कार्यों के संदर्भ में, देखिए मंत्री परिषद के बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति एक नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सारी शक्तियों का संचालन कौन करता है? मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद हमारे यहाँ पर बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तविक कार्यपालिका है, यह हम कह सकते हैं। देखिए मंत्री परिषद के संदर्भ में हम बात करें तो मंत्री परिषद एक महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद राष्ट्रीय नीति का निर्धारित करती है या निर्धारण करना का कार्य करती है, वह किसका कार्य होता है? मंत्री परिषद का। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई भी नीतियों का निर्धारण नहीं करता, राष्ट्र की विकास योजनाओं को या प्रशासन संबंधी जो भी नीतियाँ होती है उनका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है भारत में? नाम मात्र का होता है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का होने के कारण सारी शक्तियाँ वास्तविक किसमें निर्धारित होती है? मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री में। तो हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद का सबसे पहला और प्रमुख कार्य होता है नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि राष्ट्र के हित में जितनी भी नीतियाँ होती है, जितनी भी योजनाएं बनानी होती है, जो भी नीतियाँ जैसे मनरेगा योजना, कोई सी भी नीतियाँ होती है, प्रशासनिक कानून होते हैं, उन सभी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये निर्णय लेती है कि कौन सी नीति कब लागू की जाए और कब उजागर की जाए, कब उसे
वास्तविक रूप में लिया जाए। तो ये सभी निर्णय कौन लेती है? मंत्रिपरिषद। यानी कि हम मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? नीतियों का निर्धारण करना। नीति का निर्धारण करना यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। इसी संदर्भ में हम बात करें अगले जो इनका कार्य है या शक्ति है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। देखिए कार्यपालिका, जैसे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, उस पर एक नियंत्रण स्थापित करती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उस पर नियंत्रण स्थापित करती है और उसे सलाह समय समय पर देती है, योजनाओं को समय समय पर लागू करती है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से निरंकुश नहीं बन सकता, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर सर्वोच्चता एवं कार्यपालिका की जो सर्वोच्चता होती है उस पर नियंत्रण स्थापित कौन करता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही नए नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिससे कि कार्यपालिका का जो संकट होता है उसे दूर किया जाता है। हमारे यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मजबूती के साथ कार्य किया। यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली लागू की, जिसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि संसदीय प्रणाली में क्या किया गया है, इसको सर्वोच्च यानी मंत्रिपरिषद को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति पर सर्वोच्चता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया। हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। हम इसके बारे में भी बात करें तो मंत्रिमंडल, देखिए हम मंत्रिमंडल के समन्वय के कार्यों के बारे में बात कर रहे थे, तो मंत्रिमंडल का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मंत्रिमंडल का समन्वय इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्र की एकता के लिए, अगर अलग अलग विभाग अलग अलग अधिकारियों को दे दिया जाए या अलग अलग शासकों को दे दिया जाए तो क्या एकता स्थापित होगी? नहीं। इससे संघर्ष की स्थिति बिगड़ती है, संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य होता है, क्योंकि सभी विभागों के जो मंत्री होते हैं वो एक पार्टी के होने के कारण या अनेक पार्टी के होने के कारण एक ही जो सरकार होती है उसमें जो उनका नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री, वो सभी में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। क्योंकि सभी क्या होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए सभी के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। सभी विभागों में आपस में क्या किया जाता है, एक समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय की एकता रहे और कार्य जल्दी से जल्दी हो सके, विकास अधिक हो सके राष्ट्र का। हम बात करें वित्तीय कार्य के संदर्भ में, देखिए वित्तीय कार्य हमारे राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि जो भी वित्तीय बजट पास होता है, धन विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन वास्तविकता में इन्हें लाया कौन जाता है, इनकी योजना बजट को निर्माण कौन करता है, वह बजट का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी वित्त मंत्री यही कार्य करता है और वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति के नाम से। तो ये बजट का कार्य भी संपूर्ण कौन करता है? मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य होता है बजट का निर्माण करना, बजट का निर्माण करना, योजनाओं को लागू करना, नई नई योजनाओं के लिए कहाँ से धन आएगा और कहाँ पे धन का व्यय किया जाएगा, इस सभी का निर्णय कौन लेता है? मंत्रिपरिषद। इन्हीं के बारे में हम बात करें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अगले कार्य और शक्तियों के संदर्भ में, वैदेशिक यानी कि विदेशों से जो संबंध नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नाम भले ही राष्ट्रपति का चलता हो लेकिन वास्तविक इसका जो कार्य पीछे शक्ति होती है वो कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही क्या किया जाता है, विदेश जो राष्ट्र होते हैं, विदेशी राष्ट्रों से शांति हो या युद्ध हो, उन सभी के संबंधों के बारे में जो चर्चा करेंगे या जो संबंध स्थापित करेंगे, यह सभी कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री। तो ये भी एक क्या हुआ, प्रमुख कार्य हुआ कि किस राष्ट्र से
किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाए, चाहे वो शत्रु राष्ट्र हो चाहे मित्र राष्ट्र हो, इन्हीं सभी के लिए निर्धारित जो योजनाएं होती है, निर्धारित जो संबंध होते हैं, जिनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अगले बात करें हम टॉपिक के बारे में, नियुक्ति के संबंध में कार्य। देखिए, जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वह किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की। देखिए, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है न्यायालय में न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे यूपीएससी सदस्य हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे अन्य कोई भी केग हो, या फिर निर्वाचन आयोग का सदस्य हो, महिला आयोग का सदस्य हो, या किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति होती है, उन सभी नियुक्तियों पर पीछे, उन सभी नियुक्तियों के पीछे किसका हाथ होता है, मंत्रिपरिषद का। क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति करता है। इस प्रकार से हमने आज इन सभी जो कार्य हैं मंत्रिपरिषद के, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद में अंतर, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस प्रकार होती है, मंत्रियों की नियुक्ति, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। इस प्रकार से हमारा जो मंत्रिपरिषद का टॉपिक है यह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति व प्रधानमंत्री के कार्य, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगली क्लास में करेंगे। देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ताकि जिससे कि आपको अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिले। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसको, वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।